नमस्कार, ए टू जेड डिशेज उषा गुरजानी में आप सबका स्वागत है। आज इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ दही तिखारी। ये बहुत ही मज़ेदार होती है। इसके साथ ज़्यादा से ज़्यादा जो अच्छी लगती है और खाई जाती है वो है बाजरे की रोटी और ठंडा ठंडा आम रस। अगर ये तीन एक साथ मिल जाए ना तो जन्नत से कम नहीं है, सच बता। और इतना मज़ा आ जाता है ना। दही तिखारी बनाएंगे, उसके लिए ओखली ले लीजिए। इसके अंदर ना आपको डाल देनी है 15 से 20 लहसुन की कलियाँ छील कर और 1 चम्मच भरकर लाल मिर्च पाउडर। इन दोनों को अब आपको इस तरह से कूटना है। देखो, ये जो दही तिखारी है ना, इस तरह से अगर ओखली में बनाएंगे तो अच्छा स्वाद आएगा, पर अगर आपके पास ओखली नहीं है तो आप मिक्सर में इसे दरदरा पीस भी सकते हैं। देखिए, मैंने इसे कूट लिया है और दरदरा ही कूटना है। थोड़ी सी लहसुन दिखनी चाहिए ऐसे। फिर 4 से 5 चम्मच जितना पानी डालकर अच्छे से मिला लिया है। गैस को ऑन करके कढ़ाई रख दी है। 1 चम्मच इसके अंदर तेल डाल दिया है। जैसे ही तेल गर्म हो जाए 1/4 चम्मच जीरा डालेंगे और ना चुटकी भर इसके अंदर मैंने हींग डाल दी है। और देख सकते हैं कुछ इस तरह से हो जाए। तो अब इसके अंदर जो हमने ये सारी चीज़ें कूट के रखी थी ना वो डाल दें, नमक स्वाद के अनुसार और 1/2 छोटी चम्मच धनिया पाउडर। लाल मिर्च पाउडर हमने पहले से ही डाल दिया तो अब नहीं डालना। अच्छे से इसे भूनना है लगभग 1 मिनट तक। तुरंत ही गैस को बंद कर दें। गैस को बंद करने के बाद इसके अंदर आपको डालनी है 2 कप दही। और ये घर की ताज़ी दमाई हुई दही है, आप चाहे तो मार्केट के भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छे से मिला लीजिए, दही तिखारी बनकर तैयार है। चलिए, इसके साथ जो बहुत ही टेस्टी लगती है ना वो बाजरे की रोटी बनाते हैं। मैंने 2 कप बाजरे का आटा ले लिया एक बर्तन में। इसमें मैंने डाल दिया नमक स्वाद के अनुसार। थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे और आटा गूंदेंगे। तो ये जो बाजरे की रोटी है ना, इसके लिए जो आटा है वो ना ही ज़्यादा सख्त गूंदा जाता है और ना ही ज़्यादा नरम। मीडियम सॉफ्ट आटा गूंदना है, इसलिए थोड़ा थोड़ा कर ही पानी डालना। देख सकते हैं मैं थोड़ा थोड़ा करके ही पानी डाल रही हूँ। और इस तरह से कुछ हमें आटा गूंद लेना है। अब ये जो रोटी बनानी है ना, उसके लिए देखिए मैंने एक मीडियम साइज़ की, मतलब ये जो बाजरे की रोटी होती है ना ज़्यादा छोटी नहीं अच्छी लगती, जैसे हम गेहूँ के आटे की रोटी बनाते हैं, इसलिए थोड़ी सी बड़ी बड़ी लोइयाँ निकालना। अब या फिर सूखा गेहूँ का आटा या फिर बाजरे का सूखा आटा छिड़क कर इसे बेलना। देखिए, जो रोटी होती है ना बाजरे की, थोड़ी सी वो मोटी होती है। और इसके लिए जो तवा है वो पहले से ही गर्म करने रख देना। अच्छे गरम तवे पर ये रोटी को डालना है और ऊपर से थोड़े से इस तरह से निशान कर लेना है जिससे आप सेक रहे। इससे क्या होता है ना कि अंदर तक ये सिकती है और सिकते समय आपको उसके ऊपर घी, मक्खन या तेल वगैरह कुछ नहीं लगाना है। बस इसे अच्छे से दोनों तरफ सेक लीजिए। इसी तरह से मैंने सारी सेक ली है और अच्छे से सेकना क्योंकि थोड़ी सी मोटी होती है। अब सभी पर हम लगा लेंगे घी। तो यहाँ पर घी भी मैंने लगा लिया है। रोटियाँ बनकर तैयार है बाजरे के आटे की। चलिए अब ठंडा ठंडा आमरस बनाते हैं। उसके लिए एक मीठा मीठा आम ले लीजिए। छोटे हैं तो 2 लेना, बड़े हैं मेरी तरह तो आप 1 ही ले सकते हैं आम। छिलका निकाल लेना है और इसे छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेना है। उसके बाद मैंने यहाँ पर देखिए इस तरह से एक मिक्सर जार ले लिया। इसके अंदर ये सारे कटे हुए आम के टुकड़े, इसी के साथ आइस क्यूब्स यानी कि बर्फ़ के टुकड़े डाल देंगे, ढेर सारे। और 2 चम्मच जितनी चीनी। मेरा आम मीठा है इसलिए मैंने 2 चम्मच ही डाला है, आप चाहे तो अपने स्वाद के अनुसार डाल सकते हैं। सभी चीज़ों को ढककर पीस लें। आमरस, बाजरे की रोटी और दही तिखारी बनकर तैयार है। ये खाना बच्चे हो या बड़े सभी को पसंद आएगा, इतना टेस्टी है ना, तो ट्राई करना। और यहाँ तक आए ना तो चैनल को सब्सक्राइब करे बिना ना जाएं। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।